शिक्षा विभाग को मिली एक और बड़ी सफलता। जी हां, रेडियो के बाद अब दूरदर्शन पर भी मिला एजुकेशनल स्लॉट। लॉकडाउन में इंटरनेट से वंचित स्टूडेंट्स को मिलेगा ऑनलाइन पढ़ने का मौका। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सूचना और प्रसारण मंत्री को ये पत्र लिखा था। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने डीडी राजस्थान पर उपलब्ध करवाया है स्लॉट। 1 जून से डीडी राजस्थान पर शुरू होगी ऑनलाइन क्लास, तो ये बड़ी राहत मिलेगी स्टूडेंट्स को। निश्चित तौर पर 1 जून से डीडी राजस्थान पर शुरू होगा ऑनलाइन क्लास, तो शिक्षा विभाग को मिली एक और बड़ी सफलता। रेडियो के बाद अब दूरदर्शन पर भी मिला एजुकेशनल स्लॉट। लॉकडाउन में इंटरनेट से वंचित स्टूडेंट्स का ऑनलाइन पढ़ने का मौका। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सूचना प्रसारण मंत्री को खत लिखा था, और आपको बता दें कि पहले रेडियो पर भी स्लॉट शुरू हो चुका है शिक्षा विभाग को लेकर, और अब टीवी पर भी स्लॉट मिल चुका है। तो चलिए, इस खबर पर हमारे साथ शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। गोविंद सिंह जी, यहाँ पर बात करें तो निश्चित तौर पर अब छात्रों को काफी राहत मिलेगी, क्योंकि पहले रेडियो पर भी स्लॉट मिल चुका था और अब दूरदर्शन पर स्लॉट मिला है, तो निश्चित तौर पर छात्र छात्राओं के लिए एक बहुत ही राहत भरी खबर है। बिल्कुल, देखिए, जो दूरदर्शन हो चाहे आकाशवाणी हो, ये पब्लिक की सेवा के लिए ही पब्लिक सेक्टर के उपक्रम है जी। काफी वर्षों पहले जब ये प्राइवेट चैनल्स नहीं चले थे तो दूरदर्शन के माध्यम से ही सारी जानकारियां गांव ढाणी में बैठे बैठे व्यक्तियों को मिलती थी। तो अब इस संकट के समय में, कोरोना के समय में बच्चों की पढ़ाई बातचीत हो रही थी, तो हमने एक प्रयास किया था कि दूरदर्शन और आकाशवाणी के माध्यम से हमको निःशुल्क स्लॉट मिलना चाहिए। उन्होंने 65 लाख रुपए मांगे थे, हमने फिर प्रयास किया तो आकाशवाणी पे तो पहले हमें स्लॉट मिल गया था 55 मिनट का जी। अब हमें दूरदर्शन ने भी अनुमति दे दी है और आने वाले 1-2 दिन में हम एमओयू करेंगे। एमओयू करके 1 जून से हम हमारे बच्चों को दूरदर्शन के माध्यम से अच्छे टीचर से पढ़ाने का काम करेंगे। बिल्कुल, और कितना इसमें टाइम मिल सकता है, क्योंकि आपने जिस तरीके से बताया कि आकाशवाणी पर 55 मिनट का स्लॉट मिला है, तो यहाँ पर दूरदर्शन पर कितने मिनट का स्लॉट मिल सकता है? दो प्रपोजल आए हैं, कुछ तो घंटे भर का, तो उनका ये है कि भाई फ्री में वो स्लॉट दे रहे हैं, कुछ के लिए हमसे पैसा मांगा है, तो हमने वो भी सहमति दे दी है कि हम लोग हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से या यूनिसेफ की मदद से वो पैसा दे देंगे, लेकिन जो मैक्सिमम स्लॉट मिलेगा वो हम लोग लेंगे। चाहे हमें इसके लिए थोड़ा बहुत भुगतान भी करना पड़े तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि पढ़ाई ऑनलाइन के माध्यम से या घर बैठे पढ़ाई बच्चों की कराने का इससे बढ़िया और कोई जरिया हमारे पास था नहीं, और इसको केंद्र सरकार ने माना है। तो मैं जावड़ेकर जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक पहल की, पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान एक पहला ऐसा स्टेट है जिसने ये शुरुआत की और उसमें कामयाबी मिली है। मैं समझता हूँ इसमें और आगे बढ़ करके हम लोग आने वाले समय में भी इसका उपयोग करते रहेंगे, जिससे इनकी दूरदर्शन और आकाशवाणी की भी महत्ता बनी रहेगी और हमारे बच्चों को भी एजुकेशन मिलेगा। बिल्कुल, और आगामी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर क्या कुछ तैयारी है शिक्षा विभाग की? बिल्कुल, हमारी पूरी तैयारी है। हम ये देख रहे थे कि भाई केंद्र की तरफ से कोई मिल जाए अनुमति तो और ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि पूरे देश में ही बोर्ड की परीक्षाएं नहीं हो पाई थी, तो ऐसे में आज हमें केंद्र ने भी जारी कर दी अपनी एडवाइजरी कि आप करा सकते हो। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष जी और मैंने परसों चर्चा कर ली थी और हमने प्रपोजल आज भिजवाया है। मैं समझता हूँ जल्दी इस पे 1-2 दिन में कोई निर्णय होगा और हम जून महीने में बोर्ड की परीक्षाएं करा पाएंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एवन टीवी से जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा हमसे यहाँ पर जुड़े हुए थे और एक महत्वपूर्ण जानकारी हमको यहाँ पर दे रहे थे कि दूरदर्शन पर भी स्लॉट मिल चुका है एजुकेशन